यह है सनस्क्रीन, कोलगेट, ऑयल और मास्क। यूज एंड थ्रो मास्क हैं, सोप है, पेपर सोप्स हैं, ये सब मैंने ले लिया है। तो अब करते हैं हम पैकिंग और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। जय माता दी दोस्तों, तो आज मैं आपको कुछ स्पेशल दिखाने वाली हूँ जो है मेरी वैष्णो माता के दरबार में जाने की पैकिंग। तो वहां पर अगर आप जाते हैं तो आपको क्या क्या ले जाना चाहिए क्या नहीं, इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगी। और मैंने अपना सामान कैसे रेडी किया और क्या क्या रखा क्या नहीं, तो ये सब आज मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो आप मेरी वीडियो पर बने रहें और वीडियो को देखते रहें और जानकारी भी प्राप्त करें कि आपको वहां क्या ले जाना चाहिए क्या नहीं, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं और क्या जरूरत पड़ सकती है आपको। क्योंकि मैं 6 टाइम जा चुकी हूँ और 7 टाइम मैं जाने वाली हूँ। बाय कार में जाऊंगी और मेरे साथ मेरे लड्डू गोपाल भी जाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि लड्डू गोपाल को यात्रा पर ले जाते समय क्या क्या सामान ले जाना चाहिए, तो वो भी मैं आपको अलग से एक वीडियो ब्लॉग बना दूंगी, आप देख सकते हैं। तो मैं शुरू करती हूँ अपनी पैकिंग, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। जय माता दी दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। और आज मैं आपको बता रही हूँ कि हम जा रहे हैं वैष्णो माता के दरबार में। श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में जाने के लिए हम करने जा रहे हैं पैकिंग। तो आप देख सकते हैं सारा सामान हमने एक जगह इकट्ठा रख लिया है और हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो डेट है वैष्णो माता के दरबार में जाने के लिए वो है 9 अक्टूबर। वैसे तो हम यहाँ से 8 अक्टूबर को निकल जाएंगे, लेकिन हमें दर्शन 9 अक्टूबर को होंगे, तो कल का ही भी दिन बीच में है हमारे पास। और इसलिए मैं करने जा रही हूँ पैकिंग और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या पैक किया है। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं वैष्णो माता के दरबार में पहले भी जा चुकी हूँ, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है कि क्या क्या ले जाना चाहिए। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए जो मैं आपके साथ शेयर करूं, अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी वहां पर, तो आप क्या क्या कैरी कर सकते हैं, कैरी टू थिंग्स टू वैष्णो देवी, तो वो मैं आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी। तो मैंने क्या क्या लिया है और वहां क्या क्या आपको जरूरत पड़ सकती है रास्ते में, तो आपको क्या क्या कैरी करना है, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। इसलिए आप वीडियो पर बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना, पूरी देखना, तभी आपको पता चलेगा कि हम अगर वहां दरबार में जाते हैं तो हम क्या क्या लेके जाए। तो दिखाती हूं मैं आपको, ये सारा सामान दिखाऊंगी मैं आपको, क्योंकि पूरा रेडी कर लिया है मैंने और मैंने सोचा था कि बस आपको मैं दिखा दूंगी। सो गाइज, अगर आपने मन बना लिया है कि आप माता वैष्णो के दरबार में जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको देने जा रही हूँ जानकारी कि वहां पर मांग रहे हैं RT-PCR की रिपोर्ट। तो अगर आपके दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं कोरोना की, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहली जानकारी तो यही है। और 12 साल से नीचे बच्चों का कोई टेस्ट नहीं हो रहा है। अगर आपके बच्चे 12 साल से ज्यादा के हैं तो वहां पर टेस्ट जरूर होगा, चाहे वो आप ट्रेन से जा रहे हैं, चाहे बाय कार जा रहे हैं, चाहे बाय प्लेन जा रहे हैं, तो फिर आप इस बात का ध्यान रखें। अगर आपको जैसे भी बेनिफिट है, अगर आप करा के जाना चाहते हैं टेस्ट, तो ये ध्यान रखना कि 48 आवर्स उसका टाइम होना चाहिए, क्योंकि अगर उससे ज्यादा होगा, उस टेस्ट की जो वैलिडिटी है 48 आवर्स की ही मांग रहे हैं, वो अगर उससे पुराना हो जाता तो वैलिड नहीं होगा। तो आप ध्यान रखें, या तो वहीं जाके करा लें, अगर आपको लाइन में नहीं खड़ा होना है तो आप उसको पहले ही करा के ले जाएं। और वहां पर जब आप जाते हैं तो आपको वैष्णो माता के दरबार में जाने के लिए बुक हो जाती हैं ऑनलाइन पर्चियां। तो ये देखिए, इस तरह की ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ये रहा मेरा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन।
तो मैंने करा ली है फोटोकॉपी। आप चाहें तो फोन में भी दिखा सकते हैं, बट मुझे लगा कि मैं फोटोकॉपी करा लूं, तो मैंने ये सब फोटोकॉपी करा ली है। आधार कार्ड की फोटोकॉपी है। और जो हम वहां पर यात्रा करेंगे, तो गाइज वहां क्या होता है, हमें जब जाना होता है तो वहां पर ना यात्रा पर्ची के लिए हमें पहले वहां जाना होगा, और वहां लाइन लगती है, कभी कभी रश भी रहता है, नहीं भी रहता है, वो तो टाइम के अकॉर्डिंग है, लेकिन आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो आप उससे बेस्ट है कि ऑनलाइन ही बुक करा लें, और अगर वहां पर जाके अगर आप बुक कराते हैं ना, तो उसका भी टाइम पीरियड होता है, तो इसलिए आप ऑनलाइन बुक कराएं। और मैंने कराई है ऑनलाइन बुक, और हमारी सबकी आ गई है पर्चियां, हमने करा ली है फोटोकॉपी। आप चाहे तो फोटोकॉपी कराएं, चाहे अपने फोन में रख सकते हैं, और आधार कार्ड की भी फोटोकॉपी करा लें, और अपनी जो आपने वैक्सीन लगवाई है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये देखिए मैंने उसकी भी फोटोकॉपी करा ली है, अपने हस्बैंड की फर्स्ट डोज की, सेकंड डोज की, ये सब मैंने एक फाइल बना ली है गाइस, और इस तरह से मैंने अलग रख ली है। मेरे हस्बैंड इसको कार में रख लेंगे, अगर कोई भी कहीं भी पूछताछ होती है, चेकिंग होती है, तो हम इसको दिखा देंगे, जिससे हमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो आप भी एक फाइल बनाकर ले जाएं, और वो ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। बेसिकली होता क्या है, हम फोन में भी दिखा देते हैं, बट मुझे ये ज्यादा बेस्ट ऑप्शन लगता है कि आपके पास पेपर्स हैं, अगर फोन का कुछ भी हो सकता है, फोन की चार्जिंग खत्म हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो इसलिए आप अपनी फोटोकॉपी करा लीजिए, यात्रा पर्ची की भी, आधार कार्ड की भी, और आपकी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की भी। और अब मैं दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या कैरी कर रही हूं। तो मैंने एक फर्स्ट एड किट इस टाइप से बना लिया है, तो इसमें मैंने टैबलेट्स रखी हैं, तो ये हैं वोमिटिंग की टैबलेट है, जिनटेक है, एसिडिटी ना बने और किसी बच्चे को सर्दी लग जाए, तो विक्स भी है, डोलो भी है, पेन किलर, और ये बैंडेट और मैप्टल स्पास, पेट दर्द हो जाए किसी के, इस तरह से मैंने, और इसमें डिस्प्रिन, और सर्दी हो जाती है तो मैंने इसमें ये फ्लू कोल्ड, इस टाइप्स की, फ्लू कोल्ड नहीं है ये, दूसरी वाली है, सर्दी के लिए ही है ये, तो इस तरह से मैंने कोल्ड की है ये, तो सब टैबलेट्स बच्चों के लिए रख ली हैं, क्योंकि आपको ये बहुत ज़रूरी है फर्स्ट एड किट बॉक्स बनाना, क्योंकि वहाँ पर डिस्पेंसरी तो है, बट वो थोड़ी थोड़ी दूरी पे हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप अपने पास इसको जरूर रखिए। और मैंने लिए हैं कुछ मास्क, तो ये हैं कपड़े के मास्क, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये मैंने अपने लिए कैरी किए हैं। और ये है बॉक्स, ये मैंने बच्चों के लिए लिया है, यूज एंड थ्रो वाले मास्क हैं ये, ज़्यादा बेस्ट हैं, आप यूज़ कीजिए और थ्रो कर दीजिए, तो ये ज़्यादा बेस्ट है। और इनफैक्ट मुझे कपड़ों के मास्क से ज़्यादा बेस्ट लगते हैं ये, और वैसे भी अपनी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है गाइस, तो आप सबसे पहले मास्क तो जरूर ही लें। देन मैं आपको दिखाऊंगी, ये मैंने पिलो कैरी किया है अपनी कार के लिए, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर हमें लेटना हो तो हम उसमें लेट सकते हैं। और एक शॉल भी लिया है मैंने, जिस दिखाया था, अगर वहां सर्दी हो जाती है तो इस शॉल को मैंने ले लिया है, बच्चों को सर्दी लगी है, मुझे लगी, तो मैं इसको ओढ़ सकती हूँ। और ये है मेरी मेकअप किट, जिसमें ज्यादा सामान नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा ही लिया है मैंने। मैं दिखा देती हूँ आपको, जैसे मेरी बिंदियां हैं, लिपस्टिक है, और कॉम्ब है, और एक ये मैंने ली है फेवी, फेवी क्विक, क्योंकि अगर आपकी स्लीपर वगैरह टूट जाती है गाइस, तो आप इसको जरूर रखिए अपने पास। और ये मैं आपको सारा दिखा देती हूँ, और ये है ऑयल, ये छोटी सी ऑयल की बोतल है, ये सब मैंने ले लिया है अपने मेकअप बॉक्स में, जैसी भी मुझे रिक्वायरमेंट थी, तो ये सब मैंने ले लिया है। फेस वॉश वगैरह आप ले सकते हैं, और कोलगेट और ब्रश,
आप जरूर कैरी करें, कभी भूल जाएं। और गाइस हाँ, जैसे आप माता के लिए कभी बोल लेते हैं कुछ प्रसाद वगैरह या पैसे उठा के रखते हैं, तो वो भी अगर आप भूल गए हो तो जरूर रख लेना, मैंने रख ली है। तो बहुत ही कंफर्टेबल स्लीपर्स ली हैं हमने इस टाइप की, क्योंकि प्रॉब्लम होती है अगर हम फैंसी स्लीपर्स लेते हैं इसलिए। और अब मैं दिखा देती हूँ आपको, मैंने अपने बच्चों के लिए लिए हैं लोअर, आप देख सकते हैं। तो मैंने 3 से 4 लोअर लिए हैं अपने बेटे के लिए, क्योंकि एक तो है जो वो पहनकर जाएगा और एक पहनकर आएगा और एक पहनकर चढ़ाई करेगा, और एक मैंने एक्स्ट्रा में लिया है कभी हमें एक दिन और एक्स्ट्रा वहाँ पर स्टे करना पड़ जाए। अभी पता तो नहीं है, 3 डेज ही हैं, लेकिन हो सकता है किसी रीज़न से हमें रुकना पड़ जाए। और ये ली है मैंने टी शर्ट, तो मैंने गाइस फुल स्लीव्स की भी टी शर्ट ली है, मैं दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि वहाँ पर ना सिचुएशन ऐसी है, अब चल रहा है अक्टूबर तो मे बी हल्की सी ठंड मिल सकती है, तो इसीलिए मैंने फुल स्लीव्स की टी शर्ट कैरी की है। और कुछ टी शर्ट्स ये हैं जिनमें से कुछ फुल स्लीव्स हैं और कुछ हैं हाफ स्लीव्स, तो इस तरह से मैंने ये ले ली हैं। और ये हैं मेरे हस्बैंड के कपड़े, तो इन्होंने ली हैं टी शर्ट्स, तो मैंने ये भी 4 ली हैं, और एक जाने की, एक आने की और एक चढ़ाई करने की, और अगर हमें एक दिन एक्स्ट्रा लगा तो उस लिए मैंने एक एक्स्ट्रा भी ली है। और ये हैं उनके लोअर, और ये हैं, और एक लोअर ये है मेरे हस्बैंड का। तो अब दिखाती हूँ, ये है मेरी बेटी की टी शर्ट और ये है बेटे की, और ये फुल स्लीव्स है और ये हाफ स्लीव्स है। मैंने बताया ना, वहाँ पर मौसम ना थोड़ा चेंज मिलेगा, यहाँ के अकॉर्डिंग नहीं होगा, जैसे यहाँ ज़्यादा गर्मी है तो वहाँ गर्मी नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने फुल स्लीव्स भी ली हैं। तो ये मेरी बेटी की टी शर्ट्स हैं, और ये हैं उसके कुछ कपड़े, जैसे हम होटल में आएंगे तो चेंज करने के लिए लोअर, ये सब मैंने उसके लिए ले लिए हैं। और बच्चों के ना कुछ एक्स्ट्रा ही लेके जाने चाहिए, क्योंकि बच्चों का पता नहीं चलता, बच्चे गंदे भी कर लेते हैं गाइस। तो आपसे मैं यही बोलूंगी कि आप बच्चों के एक्स्ट्रा लेके जाइए, चाहे आप अपने ना लें पर बच्चों के जरूर एक्स्ट्रा लेके आए। और ये मैंने पिलो किस लिए लिया है मैं आपको बताती हूँ, जब हम कार में जाएंगे, मैंने बताया मैं बाय कार जा रही हूँ, तो हम इसे आराम से लगा सकते हैं अपने सर के नीचे अगर किसी को लेट ना हो, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है, 10 आवर्स लग जाते हैं हमें जाने के लिए, तो इसलिए ये हमने पिलो लिया है। स्पेशली मैंने ये कार के लिए ही खरीदा था। और ये कैप्स ले ली है मैंने, क्योंकि वहाँ पर ना ठंड हो जाती है, वहाँ पर भवन पर मे बी ठंड हो जाए, इसलिए मैंने ये कैरी कर ली है। चाहे अगर आपको जरूरत ना हो वापस आ जाएंगे, लेकिन लेके जाना चाहिए, सपोज अगर वहां ठंड हो गई। ऐसा हुआ था जब हम 2 साल पहले गए थे, तो वहां पर ना सांझी छत पे हम जैसे ही पहुंचे, इतनी ज्यादा ठंड हो गई कि बच्चे परेशान हो गए और हम कैप नहीं ले गए थे, इसीलिए मैं अब की बार कैप लेके जा रही हूं। और ये हैं मेरे कपड़े गाइज, ये हैं टी शर्ट्स, लोअर, मैंने सेट बना लिया है सब, जिससे मुझे प्रॉब्लम ना हो, जैसे मैं होटल में रुकूंगी तो फिर ये मैंने टी शर्ट लोअर लिए हैं, और ये मैंने शॉल ले लिया है। किस लिए? क्योंकि वहां पर ना मैंने आपको बताया ठंड मिल सकती है, तो मैं इसे लेके जाऊंगी, जब मैं ऊपर चढ़ाई करूंगी तो इसे मैं अपने साथ कैरी करूंगी। तो आपको भी मैं बोलूंगी आप एक शॉल जरूर लेकर जाएं, अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो जरूर लेके जाएं। और ये मैंने अपने रख लिए हैं कपड़े, तो ये मेरा आने का सूट है, और ये मैं वहाँ चढ़ाई करूँगी, न्यू है ये बिल्कुल। बोलते हैं कि अगर आपका बजट है तो भाई न्यू ले लो, और किसी का नहीं है तो ज़रूरी नहीं है, तो कहने की बात है, जैसा आपका बजट हो उसके अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए। ये भी मेरे बेटे की ही टी शर्ट है, और
जो ये चुन्नी है इसके साथ का मैं सूट पहन कर जाऊंगी। तो ये है वो वाला सूट जिसे मैं पहन के जाने वाली हूँ गाइस। तो ये सब मैंने अलग रख लिए हैं जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसीलिए मैंने पहले से लगा लिए हैं। तो इस क्या है, और ये है फुल स्लीव्स वुलन क्लॉथ्स। तो ये किस लिए ले जा रही हूँ मैं, मैंने बताया है वहां पर ना बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है जब हम आधे रास्ते तक ही पहुंचते हैं और मौसम चेंज हो जाता है। मेरे को एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं कई बार जा चुकी हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो इसीलिए ये मैंने बेटी के लिए लिया है और ये जैकेट ले ली है मैंने अपने बेटे के लिए। तो मैं लेके जा रही हूँ, अगर यूज नहीं होंगी कोई बात नहीं, आ जाएंगी वापस, लेकिन मैं लेके जा रही हूँ जिससे बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। और ये ले ली है मैंने टॉवल्स, देख सकते हैं आप, ये टॉवल हैं। तो ये ले लिए हैं मैंने टॉवल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और ये ली हैं मैंने कुछ तो गाइज, मैंने ली है ये वाली एक बेडशीट, क्योंकि वो मैं इसलिए लेके जा रही हूँ, कभी कभी क्या होता है हमें कहीं बिछा के बैठना पड़ जाए, तो एक बेडशीट। और ये ली है मैंने ओढ़ने की चादर, क्योंकि मेरा मन नहीं करता जब मैं होटल में जाती हूँ तो मेरे पे यूज़ नहीं की जाती है वहाँ की जो ओढ़ने के लिए वो ब्लैंकेट्स या कुछ भी देते हैं, तो मैं अपनी लेकर जाती हूँ। आपका मन है तो ले जाइए, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने ले लिया है ट्रॉली बैग इस टाइप का, तो हम जा रहे हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे। तो दो आदमियों के कपड़े इसमें आ जाएंगे और दो के इसमें, मतलब बच्चों के इसमें और हम दोनों के इसमें। और हम जा रहे हैं 3 डेज के लिए, लेकिन हो सकता है हमें एक दिन फालतू लग जाए, तो इसलिए हम एक्स्ट्रा में 1 डे के कपड़े भी लेके जा रहे हैं, क्योंकि पता नहीं चलता जब हम लॉन्ग डिस्टेंस पर जाते हैं तो कितना टाइम लग जाएगा इस। और हम जा रहे हैं बाय कार, तो इसलिए टाइम कोई फिक्स नहीं है। अदरवाइज अगर हम ट्रेन से या प्लेन से जाते तो उसका एक टाइम होता है, टाइम पीरियड, बट हम जा रहे हैं कार से, इसलिए 3 या 4 डेज लग सकते हैं। एक लिया है मैंने ये कैरी बैग, तो जब हम ऊपर भवन पर जाएंगे तो इसे मैं अपने साथ कैरी करूंगी, क्योंकि ये काफी बड़ा है। और आप भी अगर जाए तो एक बड़ा ही बैग ले जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, चाहे वो पिट्टू बैग हो चाहे इस टाइप का, इसमें वाटर बॉटल और कुछ मेडिसिन्स वगैरह सब आ जाएंगी आपकी। और ये लिया है हमने पिट्टू बैग, और इसे हम कैरी करेंगे अपनी यात्रा में। जब हम पहुंचेंगे भवन पर, इसमें हम अपना सारा जरूरत का सामान रखेंगे, जैसे एक एक जोड़ी कपड़े और कुछ वाटर बॉटल, स्नैक्स वगैरह सब हम इसमें रख लेंगे। तो अब आ गए ग्लासेस, ये लिए हैं हमने ग्लास, और ये कुछ न्यूज़पेपर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको लेने चाहिए अपने सफर में। और कुछ ली है मैंने पोली बैग्स इस टाइप की, जैसे अगर वहां पर बारिश वगैरह भी आ सकती है, कुछ नहीं कहा जा सकता, वहां पर सिचुएशन ऐसी होती है कि अगर आप रेनी सीजन में जा रहे हैं तो हो सकता है बारिश ना मिले, और अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो बारिश भी मिल सकती है। और वहां पर मौसम ऐसा है गाइस कि अगर आप चलते हैं ना तो वहां पर क्या होगा, धूप निकल रही है और आप सांझी छत तक ही पहुंचेंगे, अर्धकुंवारी तक, लगेगा कि कोहरा आ गया और बहुत ज्यादा ठंड है। क्योंकि ये एक्सपीरियंस मैं 6 टाइम जा चुकी हूँ, और ये 7 टाइम, और मेरे हस्बैंड तो 14-15 बार जा चुके हैं, तो इसलिए हम सब चीज कैरी करते हैं। और ये छोटी छोटी पॉली बैग्स हैं जिसमें हम अपनी थिंग्स रख सकते हैं, जो जैसे कुछ पानी में गीला ना हो, या साबुन है या कुछ भी। और ये कुछ लिए हैं मैंने एक्स्ट्रा बैग्स, जैसे हमारे गंदे कपड़े हो जाते हैं तो हम इनको इसमें रख सकते हैं। बेसिकली हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, जो जो मुझे पता है कि क्या क्या नीड होती है मैं वो ही रख रही हूँ, इनकेस पता नहीं क्या चीजें हमारे काम में आ जाए। तो ये लिए हैं मैंने 2 रेनकोट, अगर वहां पर बारिश आ जाती है तो हम यूज कर सकते हैं। पहले ना गाइस वहां पर चलती थी इस टाइप की पिंगनिया जो 20 से 25 रुपए की मिल जाती थी, ये पूरी खुल जाती है, बट अब वहां ये अलाउड नहीं है। ये मैंने जब मैं पहले गई थी 2-3 साल पहले तब ली थी, और अब आपको रेनकोट ही लेने पड़ते हैं, तो इसलिए मैं बोलूंगी कि आप घर से ही लेकर जाएं। तो ये मैंने 2 कैरी किए हैं। तो गाइज, अगर आपको लड्डू गोपाल की मेरी
पैकिंग देखनी है। वैष्णो माता के दरबार में ये जा रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो मैंने इनके लिए क्या क्या पैक किया है, तो मैं इनके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, आप उसमें देखना कि मैंने इनके लिए क्या क्या सामान लिया है। वैसे मैं थोड़ा थोड़ा दिखा देती हूँ, और आपको अलग से मैं एक इनकी वीडियो बनाऊंगी कि यात्रा पे ले जाते समय क्या क्या आपको लेना चाहिए। तो कुछ सर्दियों के कपड़े हैं, कुछ गर्मियों के हैं, कुछ इनकी ड्रेसेस हैं, और जो मैंने रख ली है नाइट सूट है, और इसमें रखूंगी मैं तुलसा जी के पत्ते, क्योंकि अगर आप कहीं भी जाते हैं तो पता नहीं आपको वहां मिले या ना मिले, और ये भोग स्वीकार नहीं करते हैं तुलसा जी के बिना, तो इसलिए मैंने तुलसी माला भी रख ली है एक, और इनकी कुछ ज्वेलरी है, और इसमें रख लिया है प्रसाद, और इसमें ही रखूंगी मैं मिश्री, ये सब मैंने ले लिया है, और एक इनका पानी का ग्लास, ये सब भी मैं ले लूंगी, क्योंकि पता नहीं हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे ये सब मिलेगा नहीं मिलेगा, तो पहले से ही लड्डू गोपाल के लिए भी सब चीज़ें हमें ले जानी होती हैं। तो मैं दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। ये ली है मैंने पेपर सोप, तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आप कहीं भी जाते हैं तो हैंड वॉश जरूर करें, किसी भी चीज़ को टच करते हैं तो, इसीलिए मैंने ले ली है बहुत सारी पेपर सोप, क्योंकि हम सब लेंगे इसको, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड अपनी पॉकेट में रख सकते हैं इस टाइप की सोप। वैसे तो हमने ये ले ली है होटल के लिए, लेकिन अगर आपको पॉकेट में कैरी करनी है तो आप ये ले सकते हैं, इजीली कैरी हो जाती हैं ये, वेट भी नहीं होता है इनमें, और इस टाइप से आप एक किट रेडी कर सकते हैं, जो मैंने रेडी कर यही है। और ये मेरी बेटी की किट है, उसने अपना सामान सारा इस वाली किट में रखा है, अपनी बैंड वगैरह जो भी उसको लेना है। तो ये है सनस्क्रीन, ये उसने अपनी केबल वगैरह सब बैंड सब अपनी अलग से एक किट रेडी कर ली है। तो ये है फैन, तो बहुत ही स्मूथली आप ये स्पेस भी कम लेता है अपने बैग में कैरी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी भी मिल सकती है और ठंड भी मिल सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये मैंने ली है कुछ अपनी ज्वेलरी, ज्यादा हैवी ना लेके जाएं, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है जब हम यात्रा करते हैं, तो हल्का ही जो आपको लेना हो, हल्का हल्का जो हैवी ना हो उसको कैरी करें। और यह है मेहंदी जो हम रात को लगाएंगे माता रानी के दरबार में जाने के लिए, शुभ होती है तो आप चाहें तो अपनी मेहंदी भी लगा सकते हैं। आपसे दिखा देती हूँ ये सब जो चीजें मैंने आपको दिखाई हैं, तो ये इसमें कपड़े हैं, बैग्स हैं, और लड्डू गोपाल का सामान है, बच्चों का है, और फर्स्ट एड किट भी है जो मैंने अलग से बना ली है। सो गाइज, ये लिया है मेरी बेटी ने अपना गोगल, ही मेरी पैकिंग की वीडियो, और अभी मैं अपना सामान बैग में लगा लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। और हाँ गाइज, अगर आपको ये सामान ज्यादा लग रहा है तो आप थोड़ा भी रख सकते हैं, मैं जा रही हूँ बाय कार, इसलिए ये मैंने थोड़ा सामान एक्स्ट्रा भी रख लिया है, क्योंकि बाय कार जाने में कोई मतलब अपना अपनी कार है तो कितना भी सामान ले सकते हैं, अगर हम बाय ट्रेन या बाय प्लेन जाते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कैरी करने में बैग्स को, तो इस वजह से, क्योंकि मैं पहले भी जा चुकी हूँ, ट्रिप कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप मन बना रहे हैं बाय कार तो आपको 10 आवर्स तो लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि स्टे भी लेना होता है ना बच्चों के साथ, 1-2 घंटे लग जाते हैं बीच में, तो इस वजह से 10 आवर्स लगते हैं। तो गाइस, मेरी लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है, तो मैं लगा लेती हूँ सामान और फिर मिलूंगी आपसे। अगर आपको कोई वीडियो से संबंधित क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, मैं आंसर जरूर दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और चैनल पर अगर अभी अभी आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आपको मैं अब वैष्णो माता का व्लॉग दूंगी और आप उसे जरूर देखना गाइज। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। और हाँ है गाइज, तो आप भी अपना सामान इस तरह से पैक कर सकते हैं, एक साथ इकट्ठा करके रख सकते हैं और उसकी पैकिंग कर सकते हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और भूलेंगे नहीं। एक दिन पहले ही सामान लगा लें, जिससे अगर आपको कुछ याद भी आता है तो आप रख सकते हैं। और हाँ गाइस, ये है सैनिटाइजर जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो गाइस, मैं कर लेती हूँ अपना सामान रेडी, और ऑलमोस्ट मैंने आपको सभी जो नीड्स होती हैं वो बता दी हैं वैष्णो देवी की यात्रा में जाने के लिए।
क्या क्या चाहिए होता है। बेसिकली तो ये नॉर्मल थिंग्स सबको ही पता होती हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक्स्ट्रा होती हैं, तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। और हाँ गाइज, एक आप ख़राब कपड़ा भी ले लें अपने साथ, क्योंकि जब हम होटल या कहीं जाते हैं तो आपको डस्टिंग करनी पड़ जाए, तो एक एक्स्ट्रा कपड़ा भी ले लें। और अगर आप बाय कार जा रहे हैं तो कुछ वाटर बॉटल्स पहले से ही अपना वाटर्स में स्टोर कर लें और ले जाएं, क्योंकि जिससे आपको रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने आपको दे दी है फुल जानकारी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सपोर्ट करना। तो लगभग मेरी हो चुकी है पैकिंग पूरी, और फिर मैं आपको मिलूँगी माता के दरबार में और कराऊँगी आपको नवरात्रों में माता रानी के दर्शन। तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखना गाइस। तो मिलेंगे आपसे सेम टाइम सेम हियर नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी। अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, और एक पेड़ जरूर लगाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय माता दी दोस्तों। मैंने सोचा था कि मैं आपको जो मैं तैयारी कर रही हूँ एक वीडियो बनाकर दे रही हूँ।